जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनिस्टर ब्लॉक जो सिविल सेक्रेटेरिएट के पास है, इसके करीब। तो आज ऑफिशियल काम की वजह से मुझे यहाँ पे आना हुआ, तो मैंने सोचा जी कि क्यों ना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ली जाए उसके हवाले से कि जी एजुकेटर्स की जो जॉब्स हैं वो आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इसके हवाले से एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी कि जी अभी जो एजुकेटर्स की जॉब्स जो कि मोस्ट प्रोबेबली पहले अनाउंस होने वाली थी, अब वो नहीं हो रही, क्योंकि उस पर पहले तो काम हो रहा था और एज़ ऑफ नाउ जो है उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि जी जब तक रैशनलाइजेशन कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक जो है वो नए एजुकेटर्स भर्ती करना मुमकिन नहीं लग रहा। तो मेरे ख़्याल में हमारे वो दोस्त जो कि ये सोच रहे थे कि जी नई सीट्स अनाउंस होने वाली हैं एजुकेटर्स की, तो एज़ ऑफ नाउ जो है वो नहीं हो रही। तो मेरे ख़्याल में आप लोग अपनी प्रिपरेशन किसी और तरीके से जो कर रहे हैं उसको ऐसे जारी रखें। तो हाँ, एक और ख़बर ज़रूर थी अथॉरिटीज़ की तरफ से कि जी वेरी सून विद इन कपल ऑफ डेज़ जो है वो एजुकेटर्स के जो ट्रांसफ़र्स हैं वो ज़रूर ओपन हो जाएंगे। तो वो तमाम कैटेगराइजेशन जो होती हैं एजुकेटर्स की, तमाम कैटेगरीज उन तमाम के जो है वो ओपन हो रहे हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र्स। तो ये एक रिलीफ है तमाम एजुकेटर्स के लिए कि चलो कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो अपने नियरेस्ट प्लेसेस पर जो है वो चले जाएंगे। तो अब इधर एजुकेटर्स की हवाले से तो इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। अभी मैं जा रहा हूँ मेन सिविल सेक्रेटेरिएट में, तो हम वहाँ पे जाके ये भी पता करते हैं कि आया के जो कॉमर्स कॉलेजेस के टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी वो हायर एजुकेशन ने विड्रॉ की है या नहीं की, तो ये भी अभी पता चल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन सिविल सेक्रेटेरिएट में। तो ये एक बहुत खूबसूरत जगह जो है, ये हमारे वो दोस्त जिन्होंने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे पोस्ट होते हैं इनिशियली। तो ये बहुत ही मतलब बेहतरीन जगह है सर्विस करने के लिए। तो असिस्टेंट जो हमारे दोस्त जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उन्हें चाहिए कि वो मेहनत करें, मेहनत करने के बाद यहाँ पर आएँ और बेहतरीन सी जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो उनका इंतज़ार कर रहा है। पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। सेकेंडली यहाँ पे पीआर बड़ी अच्छी बन जाती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे मज़े की बात जो है वो ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब इस वक्त मैं HED का विज़िट किया है मैंने, तो वहाँ से मैंने पता किया है कि जी के क्या जो कॉमर्स कॉलेजेस के लेक्चरर्स की सीट्स थी उसकी रिक्वायरमेंट वापस आ गई है या नहीं आई। तो ये एक गुड न्यूज़ थी कि HED ने अभी तक वो रिक्वायरमेंट जो है वो विड्रॉ नहीं की। तो ऑल दो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो मेरी दो मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई है जो यहाँ पे काम कर रहे थे मुख्तलिफ सेक्शंस में, तो उसमें से एक का ये ओपिनियन थी कि शायद कुछ सीट्स कम हो जाएं लेकिन इसके ऊपर भर्ती हो, और एक जो दोस्त था उसका ये ओपिनियन था कि नहीं, ये रिक्वायरमेंट जो है ये विड्रॉ ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट मुख्तलिफ जो है वो इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये जो है विड्रॉ हो जाएंगी। और इसके हवाले से उन्होंने फिनांस डिवीज़न से, जो फिनांस डिपार्टमेंट है, ये अगर आप देखें मेरे पीछे जो दरख्त के पीछे नज़र आ रहा है, ये वाली बिल्डिंग जो है ये फिनांस डिपार्टमेंट की है, तो वो ये मेरे पीछे जो ऑफिस है ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो विड्रॉ नहीं होगी, अभी तक यही लग रहा है। आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, कोशिश करें, कोशिश करने के बाद जो है ये आप लोग हमेशा जो है ये देखें। तो जी आप लोग कोशिश करें अपनी जारी रखें, तो बहुत जल्द जो है वो इसके ऊपर टेस्ट वगैरह जो है कॉमर्स कॉलेजेस के लेक्चरर्स का तो वो हो जाएगा। एक हमारे दोस्त की ये ओपिनियन है और मुझे ख़ुद भी यही लग रहा है कि वो होगा। उसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट ने या HED ने उसको विड्रॉ करना होता तो अब तक उसको कर लिया होता। तो जो दोस्त तैयारी जारी रखे हुए हैं
ये अपना कॉमर्स कॉलेजेस के मुख्तलिफ लेक्चरर्स की, तो वो उसको ऐसे जारी रखें और होप फॉर द बेस्ट जो है उनके लिए है। और अगेन जो हमारे दोस्त असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है जिन लोगों ने, वो मेहनत करें और मेहनत करने के बाद इस प्रेस्टिजियस जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं हमारी, इनमें आके सर्व करें और अपने लिए भी, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी ग्रूमिंग, उनकी पीआर बढ़ती है और सेकेंडली उन्हें सर्व करने का भी मौका मिलता है नेशन को। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो आज मैंने आपको स्कूल एजुकेशन की इंफॉर्मेशन भी दी है और इधर HED की भी दी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप तक पहुंच गई हैं। लेकिन कौन लोग जो हैं वो यहाँ पे आके सर्व करेंगे? यकीनन जो अपनी प्रिपरेशन फोकस होके करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे, वो ज़रूर यहाँ पे पहुंचेंगे और अपनी खिदमात जो हैं वो यहाँ पे देंगे। बेहतरीन पैकेजेस, बेहतरीन सहूलियात जो है वो उनकी यहाँ पे मुंतज़िर हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो अगर आप लोग चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।